हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए किसी भी बड़े से बड़े नंबर्स को 999, 999 इस तरह से नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, वो भी इजी वे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, जैसे हमारे पास 135 है, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने आंसर में 1350 लगा देंगे। हमने क्या किया है, एक तरह से पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। जब हम 10 से करेंगे 135 को, तो पीछे एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि हमने एक नंबर फालतू ले लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 135 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 135 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर में से 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो 1 इधर कैरी हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 1 यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इजी वे से, शॉर्ट ट्रिक से, ये बिना कैलकुलेशन से या इजी कैलकुलेशन से हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल लेके चले, जो हमारे पास 231 मल्टीप्लाई 99 है, इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहां पे 29 आ रहे हैं तो हम इस नंबर के पीछे 231 के पीछे 2 जीरोस लगा देंगे इस तरह से। अब इसमें से इसी नंबर को हमने माइनस कर देना है 231 को। वो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अगर 100 से किया है, हमने एक फालतू नंबर ले लिया है, मतलब 100 से हमने कर लिया, हमने करना 99 से था, तो इसीलिए हमने 231 उसमें से माइनस कर देना है। तो फिर उसी तरह से 1 इधर कैरी करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, इधर 0 बचा था क्योंकि इधर 1 कैरी कर लिया था, तो 10 में से 2 जाएगा 8, इधर हमारे पास बचेगा 2 और इधर भी आ जाएगा 2, तो नंबर आ जाएगा 22869। इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब आपको कंपटीशन एग्जाम्स में कोई बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है, आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है इससे। इसी तरह से फिर हमारे पास वही एक नंबर लिया हमने 491, और इसको अब हम 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, कितने 9 आ रहे हैं, 3 9 आ रहे हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे स्टूडेंट्स, उसमें से यही वाला नंबर 491 माइनस कर देंगे। जब हमने 491 माइनस किया तो 10 में से 1 गया 9, इधर 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, इधर भी 9 रह गया, तो 9 में से 4 गया 5, इधर हमने 1 कैरी कर लिया हुआ था, तो 0 9 4, तो आंसर आ गया 490509, 490509। एक और एग्जांपल ले ली हमने, अब हम दो नाइन ये मींस 4 बार जो 9 नंबर है हमारा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, इसी नंबर के पीछे 4 जीरो लगा लेनी है, और हमने फिर 1693 माइनस कर देना है, 3 9 6 and 1, अब हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हमारे पास इधर 1 कैरी हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 1 कैरी किया था तो 2 बचा इधर, 9 एज इट इज, 6 एज इट इज, 1 एज इट इज, तो ये हमारे लिए बन गया 169283 07। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनमें सारे 9 आते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।